अबोहर के गांव कुंडल के सरकारी कन्या स्कूल का मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के संज्ञान में लाया गया है। इस घटना के लिए जिम्मेदार दोनों अध्यापिकाओं को तुरंत प्रभाव से तब्दील कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस पूरी घटना की जानकारी के लिए कुछ साउंड बाइट्स सुनते हैं। पोस्को एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित छात्रा का चेहरा ब्लर कर दिया गया है। सर 31 तारीख नूं साढ़े स्कूल दे वॉशरूम विच किसी ने सैनिटरी पैड सुट्टा। साढ़े मैडम ने सानूं समझाउण दी बजाय सारियां कुड़ियां दी चैकिंग कीती कपड़े उतार के। साढ़े कुलदीप मैडम ने क्या सीगा, ज्योति मैडम नूं वी पता सी, ते 8वीं क्लास दीआं कुड़ियां ने साडी चैकिंग कीती। चार कुड़ियां ने बुधवार नूं होई आ जी घटना। 7वीं क्लास दीआं लड़कियां नाल इह घटना वापरी आ जी। बहुत ही माड़ी घटना है। लड़कियां नूं जलील किया गया जी, उन्हां दे कपड़े उतार के, है ना। ये घटना हुई है जी। असी इंसाफ की मांग करते हैं जी कि जिहड़े टीचर ने भी ये की है जी, उहदे खिलाफ FIR होवे ते उन्हां नूं डिसमिस किया जाए, ता जो गांह होर किसी बच्चे नाल ये घटना ना कर सके। पहला भी गलतियां करते ही रहे जी, वह मैडम इत्थे ही खड़े आ जी, अपने नाल ही उन्हां दे बच्चे पढ़ते सी, वह भी घरे बैठे आ जी, डरते स्कूल नहीं आते जी। उन्हां नूं पहलां जलील किया गया जी। कुलदीप कौर जी ते ज्योति मैडम कल आया सी, उदो SDM मैडम आए सी, इनकुआरी करी जांदे सी, कोई इस विषय ते गल नहीं हुई। सर मैं स्कूल ते बैठी सी, बच्चों बुला के समझाया। मैं कहा बेटा पैसा कम नहीं करना कोई भी, क्योंकि अपने को चैकिंग आती है वो बाथरूम चैक करते हैं तो आप गंदा लगे। सर उस तो बाद मैं कुछ बच्चों को कहा नहीं गा, फिर मैं जो अगले दिन दादी आई किसी बच्चे से उस पर लग गया। उस तो बाद मैं फिर 7वीं क्लास गई, 7वीं क्लास में फिर जाकर समझाया। मैं कहा बेटा तुम मेरे को आया कोई इस तरह की गल हो गई, बस मैं यही गल बच्चों कही है। बिल्कुल जी, आज कुंडल गांव में जो स्कूल में इशू खड़ा हुआ है उस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। इट इज़ वेरी सीरियस, बहुत अर्जेंट नेचर है और इसको अर्जेंटली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। और मैं कल ही जो कमेटी जो है एजुकेशन की हमारी, वो आएगी यहाँ पे और अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी और बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ जो देखिए आई वुड नॉट लाइक टू मैंशन द गर्ल्स बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजन्स, लेकिन हाँ बच्चे जो हैं वो मेजोरिटी में जो है वो बच्चों ने कंप्लेंट की है। बिल्कुल, मैंने अभी देख लिया है, आई हैव हर्ड, मैंने बच्चों की बात सुन ली है अच्छे से और हम इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। देखिए प्राइमरी स्टेज पे तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अर्ली होगा कि कुछ भी कहना और कुछ भी कमेंट करना, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चों की भावनाएं हैं, जो बच्चों की फीलिंग्स हैं, वी रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स एंड जो सिक्योरिटी है बच्चों की वो हमारी ड्यूटी है और हम ये पूरे अच्छे से निभाएंगे और तनदेही से निभाएंगे। नो दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द स्कूल, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। ये इस इंक्वायरी के बाद ही पूरी बात जो है, अभी तक तो इवन आई एम doing my inquiry, even मैं यहाँ पे inquiry कर रही हूँ। अब बिल्कुल let me discuss with my higher authorities and हम इसको जल्दी करें। थैंक यू। इस तरह मतलब ये घटनाक्रम इतने होया है, कल साढ़े को फोन पहुँचे इस घटनाक्रम बारे, तो उस तो बाद असी अपने SHO सदर ते मैडम DCPO इन्हों असी इनफॉर्म करने तो बाद जिमें भी इतने आपकी टीम नाल पहुँचे तो सूँ असी देखा कि SDM मैडम बका पहला पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जिमें जायजा लिया, तो उस तो पता लगता है कि मतलब बच्चियों नाल होया था बहुत माड़ा है कि जो ये घटना हुई है सारी। तो उस तो बाद एक्शन विच आए डिपार्टमेंट ने, मैडम SDM वालों एक कमेटी गठित की गई जिदे वालों कि ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो सोमवार तक जिमें कि मैडम सानू इनफॉर्म करके गए, सोमवार तक असी जो रिपोर्ट हैगी सबमिट करा, उस तो बाद जो बनती कार्रवाई है जो टीचर ने इस इनवॉल्व ने तो उन्होंने उपर वो की जाएगी। जिमें CDPO अबोहर गीता मैडम ने, तो नाल बिंदू अरोड़ा जी, तो नाल ही साढ़े एक DO ऑफिस तो नुमाइंदा ये हो
ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਇਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੰਦੂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਮੈਮ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।